हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बना के दिखाएंगे व्हाइट ग्रेवी। इस ग्रेवी से आप काफ़ी सारे वेज नॉन वेज आइटम बना सकते हैं घर में। बहुत ही आसान है और इस ग्रेवी को बना के आप घर में स्टोर भी कर सकते हैं एक हफ्ता तक। तो आइए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। व्हाइट ग्रेवी बनाने के लिए ये देखिए, मैंने आधा किलो काजू और आधा किलो मगज लिया है। और ये काजू का जो है मैं पहले से भिगा के रखा था। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट होता है भिगाने से। ये देखिए, और इसे दो से तीन बार मैंने वॉश कर लिया, आप भी इसी तरह से वॉश कर लीजिए। और एक हांडी लिया है, ये देखिए, इस हांडी में ऐड करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे पानी। ये देखिए, पानी आप हिसाब से ऐड करिए। इसको बॉईल करने के लिए मैंने ऐड कर दिया पानी। और यहाँ पे ऐड करेंगे, ये देखिए, एक चम्मच नमक। और अभी हम इसको बॉईल करने के लिए बिठा देंगे। देखिए, मैंने बॉईल करने के लिए बैठाया, मीडियम गैस में मैंने इसको बैठाया और लगभग एक घंटा इसको बॉईल करेंगे तो बहुत बढ़िया ये बॉईल हो जाएगा। ये देखिए, एक घंटा हो चुका है और ये बॉईल भी हो गया हमारा काजू मगज। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बॉईल हो चुका है। अभी गैस की बटन बंद कर देंगे और इसे स्टेन कर देंगे। देखिए, मैंने एक स्टेनर लिया है यहाँ पर और इसे क्या करेंगे, अभी ये स्टेन कर देंगे। ये मैंने स्टेन कर दिया और इसे ठंडा पानी से अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेंगे। देखिए, इसे क्या है ना, इसका कोई स्मेलिंग नहीं रहेगा और ये एकदम ज़बरदस्त वाइट कलर आ जाएगा। इसकी कलर जो भी है ना, वो बहुत बढ़िया आ जाएगा। तो आप ठंडा पानी से इसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। देखिए, मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया और अभी मैंने लिया है एक जार, और इस जार में थोड़ा थोड़ा करके, देखिए, थोड़ा थोड़ा करके मैंने ढाल दिया है। और इसमें पानी जो है, जितना काजू मगज लेवल है, सेम लेवल में मैंने पानी लेने, देखिए, ये पानी मैंने सेम लेवल में लिया है। ये देख सकते हैं आप कितना पानी लिया है। और अभी इसके ढक्कन लगाएंगे और इसे पेस्ट कर लेंगे। ये इसी तरह से आप पेस्ट कर लीजिए। देखिए, ये बहुत ही बढ़िया एकदम फाइन पेस्ट हुआ है। जितना फाइन पेस्ट होगा ग्रेवी इसकी, उतनी स्मूथ होगी। तो मैं यहाँ, देखिए, एक बाउल में इसमें डाल देंगे। देखिए, इसी तरह से बाकी जितना काजू मगज है, सेम तरीके से मैंने इसे पेस्ट कर लेंगे। एक हांडी लिया है और मैंने व्हाइट ग्रेवी के लिए तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया, देखिए, कुकिंग ऑयल। ये 200 ml कुकिंग ऑयल यहाँ ऐड कर दिया और यहाँ पर मैं ऐड कर देंगे खड़ा मसाला। ये देखिए, तेज पत्ता, सिनेमन स्टिंग, लौंग, ग्रीन इलायची, ब्लैक इलायची, ये यहाँ पे तेल गरम हो गया और यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ये देखिए, इसे एक से दो मिनट इसी तरह से चलाते रहिए। आप खड़ा मसाला को एक से दो मिनट इसी तरह से, देखिए, एकदम पका लीजिए। और यहाँ पे ऐड कर दीजिए दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। देखिए, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर डालिए और अदरक लहसुन का पेस्ट को अच्छी तरह से पकाइए। और फिर ऐड कर दीजिए जो काजू पेस्ट किया था, काजू मगज, वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। इसे थोड़ा हल्का हल्का चलाते रहिए, ये तो नीचे लग जाएगा। ये देखिए, आराम से इसे चलाते रहिए। और यहाँ पे ऐड करिए आप थोड़ा गुनगुना पानी। यहाँ पे बिल्कुल ठंडा पानी यूज़ नहीं करना, गुनगुना पानी यहाँ पे ऐड कर देना। ये देखिए, और फिर इसे पानी के साथ धीरे धीरे आराम से स्लो फायर में चलाते रहना। ये ग्रेवी को पकाते हुए आधा घंटा हो चुका है और ये उगलने स्टार्ट हो गया, मतलब ये ज़्यादा लगेगा भी नहीं। आप आराम से धीरे धीरे इसे चलाते रहना। लेकिन अभी इसमें कुछ मसाला डालना है। ये देखिए, एक चम्मच नमक, एक चुटकी व्हाइट पेपर पाउडर, ये थोड़ा सा स्पाइसी करते हैं फ्लेवर के लिए। देखिए, इलायची पाउडर, और यहाँ पर मैंने ऐड कर रहा हूँ शुगर, थोड़ा सा शुगर एक चम्मच। इससे क्या है, हल्का सा मीठापना आएगा और व्हाइट पेपर में आपको थोड़ा सा स्पाइसी आएगा, तो उसमें बहुत बढ़िया लगेगा। तो और आधा घंटा मैंने इस मसाला के साथ
अच्छी तरह से इस ग्रेवी को मैं पकाएंगे। ये लगभग एक घंटा में ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए ग्रेवी जो है एकदम ठीक होने का करीब आ गया। देखिए आप इसे देख सकते हैं लैडल से। तो अभी इसमें क्या करेंगे, मैं एक चम्मच बटर जो है यहाँ पे ऐड करेंगे और 5 मिनट इसी तरह से मैंने ये ग्रेवी को चलाते रहेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त शानदार बना है ये व्हाइट ग्रेवी। इस ग्रेवी से आप बहुत सारे डिश घर में बना सकते हैं, होटल में, रेस्टोरेंट में, ढाबा में बना सकते हैं। जैसा मेथी मटर मलाई, मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, जो भी शाही आइटम है इस ग्रेवी से आप आसान तरीक़े से बना सकते हैं। इसे स्टोर भी कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, आप फूड पैन में ढाल के रैप मार के उसको फ्रिज में आप एक हफ्ता इसे आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी बन गया ज़बरदस्त व्हाइट ग्रेवी। अभी हम गैस की भलन बंद करेंगे और ये देखिए कितनी बढ़िया शानदार बना है। मेरा रेसिपी आपको पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।